हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, दिस इज सोनू। वेलकम टू अनदर व्लॉग, अनदर वीडियो। आप सबका स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सोनू व्लॉग में। तो होप सब आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ में। आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और काफ़ी बड़े यूट्यूबर के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं कुछ बात करता हूँ आपके। तो यूट्यूब पे एक कैटेगरी है जैसे व्लॉग कैटेगरी कहते हैं, जैसा कि मैं भी व्लॉग बनाता हूँ, लेकिन क्योंकि इंडिया के नंबर वन व्लॉगर हैं तो नंबर वन व्लॉगर जैसे मैंने कहा आप समझ ही हो गए होंगे और टाइटल थंबनेल देख कर ही आए होंगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ मिस्टर सौरभ जोशी व्लॉग्स के बारे में। तो पूरी डिटेल में उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे इनका जन्म कहाँ पे हुआ और किस राज्य में हुआ, मतलब इनकी पढ़ाई कहाँ पे हुई, सभी चीज़ें बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनका जन्म 8 सितंबर 1999 में हुआ था और उत्तराखंड के अल्मोड़ा राज्य के सोमेश में हुआ था। तो जन्म के कुछ समय बाद ही ये हरियाणा चले आए। इनका बचपन जो है हरियाणा से ही और इनकी पूरी पढ़ाई हरियाणा से ही हुई थी। इनके घर में मम्मी पापा, चाचा चाची, सगा भाई साहिल और इनके चाचा का लड़का पीयूष जोशी। जोशी और साहिल जोशी की जो जोड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, वो मैं बाद में बताऊँगा। और इनके घर में दादी भी हैं। तो इनकी हाई स्कूल की पढ़ाई गवर्नमेंट हाई स्कूल से हुई और कॉलेज जो हुआ था वो पंजाब गवर्नमेंट कॉलेज से हुआ था। इन्होंने BFA नाम की एक डिग्री भी की है जिसे कहते हैं बैचलर आर्ट्स ऑफ फाइन, मतलब ये ड्राइंग की डिग्री होती है। और स्टार्टिंग में इनका जो चैनल था वो सौरभ जोशी आर्ट्स के बारे में था। तो ये थी कुछ बेसिक सी नॉलेज जो कि मतलब स्टार्टिंग में थी, मतलब इनका बचपन और जन्म, खेल कूद, ये हाई स्कूल, इंटर, मतलब जो भी पढ़ाई लिखाई क्वालिफिकेशन थी सब चीज़ें मैंने बता दी। अब बात करते हैं इनकी यूट्यूब जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो इनका जो सबसे पहला चैनल था वो था सौरभ जोशी आर्ट्स के नाम से। तो इन्होंने सबसे पहले सौरभ जोशी आर्ट्स के नाम से चैनल बनाया था जिसपे वो अपने आर्ट की वीडियो बना बना के उस पर अपलोड करते थे। स्टार्टिंग में लगभग जो होता है सभी यूट्यूबर के साथ में यही होता है कि छोटे मोटे व्यू आते हैं, मतलब थोड़े बहुत व्यू आते हैं, लेकिन इनके भी उसी तरह व्यू आते थे। और लेकिन ये अपने चैनल पर रोज़ वीडियो नहीं डालते थे आर्ट्स वाले चैनल पर। और अभी का सीन कुछ ऐसा है, इनका मतलब जल्दी ही 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया था। 1 मिलियन सब्सक्राइबर काफ़ी ज़्यादा अपने आप में वैल्यू रखते हैं क्योंकि 1 मिलियन 1M लिख के आ जाता है, लेकिन उसके पीछे की जो डिजिट होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसी के लिए मैं भी मेहनत कर रहा हूँ। और जो लोग मेहनत करके आगे बढ़ गए हैं मैं उनको आपको दिखा के थोड़ा सा आप उनके बारे में बताता हूँ। तो अभी इनके सौरभ जोशी आर्ट्स वाले चैनल पर लगभग 3.5 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। और जब मतलब ये रोज़ वीडियो अपने चैनल पर नहीं डालते थे और अचानक से लॉकडाउन आया। लॉकडाउन का समय जो था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान करने वाला था, मतलब तो थी सभी परेशान हो गए थे, सभी अपने घर पे बैठे थे, सभी का काम बंद था, सभी घर पे रहते थे। और इन्होंने अपने भाई पीयूष जोशी, मतलब जो कि चाचा का लड़का है, छोटा है और इनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है, तो उनके कहने पर इन्होंने अपना चैनल, जो दूसरा चैनल था सौरभ जोशी व्लॉग्स के नाम से, वो स्टार्ट किया। और जैसे उन्होंने स्टार्ट किया तो उस टाइम इन्होंने सोचा था, मतलब मन में प्रण रखा था कि 365 दिन में 365 वीडियो डालेंगे, मतलब 365 डेज में 365 व्लॉग डालेंगे, यानी डेली व्लॉग। ऐसा करते करते धीरे धीरे इनका चैनल धीरे धीरे चलते गया और आज की डेट में 16 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और बहुत बड़ा डिजिट है वो 16 के बाद में, यानी M जो लिखा होता है उसके पीछे का जो डिजिट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, अपने में एक बहुत बड़ी वैल्यू है। और आज की डेट में इनके पास महिंद्रा थार, इनोवा क्रिस्टा और भी बहुत स्पोर्ट्स बाइक हैं, मतलब क्या ही किया जाए, ड्रोन कैमरा और पता नहीं क्या। अभी रिसेंटली इन्होंने एक जहां हल्द्वानी में रहते हैं वहीं पे एक घर बनाने के लिए एक प्लॉट लिया है जो कि यूट्यूब मनी से लिया है। और जिन सभी चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, गाड़ी फॉर्चुनर, हाँ फॉर्चुनर भी इनके पास में है। तो फॉर्चुनर थार और इनोवा क्रिस्टा ये सब इन्होंने अपने यूट्यूब मनी से ही लिया है। और आज की डेट में इनकी पर वीडियो में, मतलब रोज़ की वीडियो में 2-3 मिलियन से ज़्यादा व्यू आते हैं। तो आप समझ सकते हैं 1-2 मिलियन व्यू आना कितनी बड़ी बात है। तो सौरभ जोशी अपना जो गुरु मानते थे वो फ्लाइंग विश सर को मानते थे, जो कि हमारे लखनऊ के ही हैं वो फ्लाइंग विश। तो उनके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो इनको अपना गुरु मानते थे। आज उनके चैनल पे भी 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अभी जल्दी में वो अरेस्ट हो गए थे, उनका बर्थडे था तो उन्होंने मीटअप अनाउंस किया था, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई थी
तो दिल्ली पुलिस में धारा 144 लागू थी तो उनको पकड़ के लेके चले गए थे, फिलहाल छूट गए हैं। तो इनको अपना ये गुरु मानते थे, साथ में मतलब सौरभ जोशी मिलने गए थे फ्लाइंग ब्रिज सर के घर पे, तो वहाँ पे इन्होंने एडिटिंग वीडियो कैसे बनाना है, कंटेंट कैसा करना है, सब चीज़ें इनसे सीखी। और वो कहावत सुनी होगी आपने कि गुरु गुरु ही रह जाता है और चेला शक्कर बन जाता है। जिनको अपना गुरु मानते थे उनके 8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और सौरभ भाई के 16 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, अभी जल्दी में उनके 16 से ऊपर सब्सक्राइबर हो गए। काफ़ी अच्छा लगता है कि गुरु गुरु ही रह जाता है, चेला शक्कर बन जाता है, तो होना चाहिए ऐसा। और देखते हैं हम कब क्या करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी इंटरेस्टिंग स्टेंट और भी बहुत बढ़िया चीज़ें आपको बताएंगे। पर इन्होंने अपनी सारी जो ड्रीम थे वो पूरे कर लिए हैं, और जो लोग शुरुआत में इनका हंसी मजाक उड़ाते थे आज वही तारीफ़ों के लिए हाथ उठते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं और सराहना करते हैं। और इस टाइम ऐसा वो है, मतलब अगर सौरभ भाई कहीं भी जाएं तो उनके कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ सब्सक्राइबर मिल जाएंगे, क्योंकि 16 मिलियन का जो नंबर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और कहीं ना कहीं कहीं भी जाएं तो उनके नॉर्मल से ये बात है सब्सक्राइबर मिल जाते हैं, और अभी की डेट में वो नॉर्मल नहीं चल सकते हैं। मतलब अगर वो रोड पर निकल जाएँ तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाएगी। वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और यूपी लखनऊ से देख रहे हैं तो फुल सपोर्ट करिए। काफ़ी मेहनत से वीडियो बना रहे हैं, पसीना तो देख ही सकते हैं, धूप इतनी कड़ी है, क्या करेंगे, बैकग्राउंड नहीं है अच्छा, तो जैसा तैसा वीडियो बनाते रहते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग में और नए सी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तो तब तक के लिए बाय।